नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। भाइयों, आज की वीडियो में आपको पंतनगर मेला दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये कुबोटा का स्टॉल लगा है, तो ये सर हैं, कुबोटा के बारे में बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरमीत सिंह बेदिया जी। अच्छा जी। और मैं उधम सिंह नगर जिले का कुबोटा के हम ऑथराइज डीलर्स हैं। अच्छा जी। और हमारे फिलहाल आउटलेट्स काशीपुर, रुद्रपुर और सितारगंज में मौजूद हैं। अच्छा जी। और सारी रिटेल्स और सेल्स और सर्विसेज हम तीनों आउटलेट से अपने मेक श्योर करते हैं कि वो कस्टमर तक पहुंचे। ट्रैक्टर है आज, जैसे लोगों का नॉर्मल जो खेती हुआ करती थी उससे रुझान ऊपर आके बागवानी की तरफ, केले की खेती की तरफ, या आजकल इवन शुगर केन भी जो है अपना गन्ने की खेती है वो ट्रेंच विधि से करी जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इस ट्रैक्टर को लॉन्च करा है। और मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, कुबोटा इंडिया में पहली कंपनी है और 4x4 के ये मास्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी का ट्रैक्टर छोटे सेगमेंट में बिकता है तो वो कुबोटा है। खासियत इस ट्रैक्टर की ये है, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये सारा ट्रैक्टर जो है ये इंटायरली मेड इन जापान है। अच्छा जी। इसके अगर आप इंजन के ऊपर निगाह लगाएंगे तो उस पर लिखा है, देखिए, मेड इन जापान। ये ट्रैक्टर इंडिया में असेंबल नहीं होता है, सिर्फ इसमें अपने टायर्स, बैटरी, जो चीज़ें इंडिया में प्रोक्योर हो सकती हैं, सिर्फ उन चीज़ों को छोड़ के बाकी ये सारा ट्रैक्टर पेटी बंद जापान से आता है। अच्छा जी। खासियत इस ट्रैक्टर की यह है कि इसको एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो ये ढोलकी है जो साइलेंसर की, ये भी अंदर ही दे रखी है, आम ट्रैक्टरों में आपको बाहर नजर आती है। ध्यान में ये रखा गया है कि जो खेती 4 फुट पे 4.5 फुट पे, जैसे पहले गन्ने का एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रेंच विधि का जैसे गन्ना जाता है, तो उसके उपयोग के हिसाब से गन्ना आजकल 5-5 फुट पे लोगों ने करना शुरू कर दिया, तो आम गन्ने से इस गन्ने की उपज भी जो है वो 200 क्विंटल के आसपास कहीं ज़्यादा, लोगों का कहना है, दावा है कि उनकी ज़्यादा निकलती है, क्योंकि जो बीज की नलाई है, क्योंकि ये संकरा ट्रैक्टर होने की वजह से, आम ट्रैक्टरों से थोड़ा और नैरो होने की वजह से ये आराम से रस्तों से निकल जाता है, खेतों के बीच में से निकल जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी ज़रा जानकारी इसकी विस्तार से दे देता हूँ। ये सर ट्रैक्टर का जो मॉडल है B2741S, ये न्यू मॉडल लॉन्च किया है अभी कंपनी ने, पहले 2741 आया करता था, ये एस जो है इसको सुपीरियर मॉडल इसका और बना के दिया गया है। कुबोटा जापानी कंपनी, और ये 5 साल की वारंटी में आपको ये ट्रैक्टर मिलता है। छोटा ट्रैक्टर भी आपको 5 साल की वारंटी में, और वारंटी भी इसकी इस तरीके की है कि जैसे आम ट्रैक्टर वाले सिर्फ इंजन और गेयरबॉक्स की वारंटी देते हैं, हमारे इसमें इंजन, गेयरबॉक्स, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, पावर स्टेयरिंग, सारी चीज़ें इसमें कवर होती है, सुपर वारंटी इसका नाम रखा गया है। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आम तौर पे हमें अगर ये समझना है कोई चीज़ सक्सेस क्यों है, तो उसका ये भी समझना जरूरी है कि आम ट्रैक्टर वो फेल क्यों होते हैं। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें सिर्फ 2 गियर्स होते हैं, हाई और लो। जी। हमारे इस ट्रैक्टर में हाई लो के साथ एक मीडियम गियर का भी इसमें प्रावधान दिया गया है, क्योंकि होता यह लो की स्पीड में जब ट्रैक्टर चलता है तो लो की स्पीड में तीसरे गियर में जब आप डालते हैं तो ट्रैक्टर की स्पीड बहुत कम रह जाती है। अब जैसे गन्ने पे मिट्टी चढ़ाने का अगर हम कार्य करें तो उसको एक जो स्पीड है वो भी चाहिए होती है। अब इसमें जब मल्टी स्पीड एक मीडियम गियर भी आ जाता है, इसमें मीडियम गियर होने की वजह से इसमें फ्रंट की स्पीडें आपको 9 मिल जाती हैं और पीछे की स्पीडें भी इसमें आपको 3 मिल जाती हैं, 3 गियर है इसमें। तो जो कार्य लो में लो स्पीड पे हुआ करता था, मीडियम की स्पीड डाल के वही कार्य अब जल्द से होके, और किसान अपना जो कार्य पहले 1 घंटे में करा करता था वही कार्य अब वो 40 मिनट में कर लेता है। मिट्टी चढ़ाने का कार्य हो, चाहे स्प्रिंग का कार्य हो, चाहे नलाई का कार्य हो, ट्रैक्टर बखूबी उस चीज़ को करता है। फिर इसमें अगर ट्रैक्टर का आप अगर टोटल देखेंगे तो पूरा फ्लैट डेक है, अगर आप इस पर बैठते भी हैं आपको ये नहीं महसूस होगा कि ये छोटा ट्रैक्टर है, आप इस पर एक्सपीरियंस करके देखेंगे, चाहे 1 क्विंटल का भी आदमी, 1.25 क्विंटल का भी आप बैठा देंगे तो वो भी इस ट्रैक्टर में अपने आप को घुटा घुटा महसूस नहीं करेगा। फिर अपने एक बहुत किसान भाई ऐसे हैं जो धोती पहना करते हैं या खुले खुले आजकल कपड़े पहना करते हैं साउथ में, तो इसमें ये भी इसमें सहूलियत है कि कोई बीच में लेवर नहीं है, सारे लेवर इसके साइड में है, ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ आता है और इसको हम सुपर ड्राफ्ट कंट्रोल का नाम देते हैं। एक इसकी सेटिंग, स्प्रिंग सेटिंग ये पीछे भी दी गई है, इसको आप देखिए, ये स्प्रिंग सेटिंग पीछे देने की वजह से आप स्प्रिंग की मूवमेंट कितनी जल्दी आप चाहते हैं आपका ड्राफ्ट काम करे, बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल के लिए, रेतनुमा जमीन के लिए, या चीकड़ जमीन को लेकर, जैसी भी आपकी ज़मीन है उसके आधार से आप स्प्रिंग मूवमेंट इसकी आप सेट कर सकते हैं, उस हिसाब से इसकी स्पीड मैच हो जाती है। अब इसमें अगर हम बात करें कि जो इसमें टायर साइज दिया गया है,
8320 का टायर साइज है, जो आम अन्य ट्रैक्टर आते हैं वो 818 का टायर साइज आता है। तो 8320 का जब टायर साइज आएगा तो ये अन्य ट्रैक्टर से ट्रैक्शन पावर अच्छी जनरेट करके देगा। बाकी इस ट्रैक्टर का जो फील है, क्लच वगैरह अगर आप इसका दबा के देखते हैं तो क्लच भी इसमें इन्होंने डायफ्राम टाइप दिया हुआ है, बहुत बढ़िया ही क्लच सिस्टम इसमें आया है। फ्यूल भी इसमें जो है करीबन 24 लीटर की इसमें टैंक आता है। बाकी सर मीटर के बारे में बताइए, मीटर कितने, ट्रैक्टर कितने आरपीएम पे चलता है ये? ये जी आमतौर पे तो 2000 आरपीएम पे चलता है, डिपेंड करता है आप किस एप्लीकेशन पे इसको लेके जा रहे हैं। अगर आप रोटावेटर की एप्लीकेशन पे जा रहे हैं तो 2000-1000 आरपीएम पे ये बढ़िया काम करता है। इसके साथ के हमारे पास रोटावेटर्स भी हैं। अच्छा, रोटावेटर भी हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा जी, जैसे इसकी नलाई, ये जो ट्रैक्टर की चौड़ाई है, सबसे बड़ी खासियत इस ट्रैक्टर की ये थी कि इसकी चौड़ाई जो है वो मात्र 40 इंच है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैशियो गैस्पार्डो, ये कंपनी है इटली की कंपनी है, इनकी जो ये चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये मात्र 105 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो वही 40-42 इंच के आसपास ये कहीं इसकी चौड़ाई आती है। तो ये ट्रैक्टर के साथ जब ये रोटावेटर जुड़ जाता है तो गन्ने में, केले में, इन सारी फसलों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। सर ये कितने फिट है? ये सर हमारा ट्रैक्टर जो 21 HP का है वो उसकी चौड़ाई मात्र 35 इंच की है। अच्छा जी। वो उससे भी पतला ट्रैक्टर है। अच्छा, उसको स्पेशली शुगर केन के लिए रखा गया है, जो लोग 4.25-4 फुट पे। अच्छा जी। ये 7 वाला ट्रैक्टर है। अच्छा, ये जो लोग 4.25-4 फुट पे अपनी खेती करना चाहते हैं गन्ने की और उससे ऊपर नहीं जाना चाहते, उनके लिए 21 HP का ट्रैक्टर। और ये इंडिया का फिलहाल नैरोएस्ट ट्रैक्टर है, इससे पतला ट्रैक्टर है ही नहीं। इसकी अगर आप चौड़ाई देखें पीछे से तो ये इस टायर के कोने से इस टायर के कोने तक मात्र 36 इंच इसकी चौड़ाई है कुत्र। और चलाई में ये ट्रैक्टर अपनी क्षमता से ज़्यादा काम खींचता। अच्छा जी। और इसको शुगर केन स्पेशल बताया गया है, इसका स्टिकर भी यहाँ पे आप देखेंगे। साउथ में अब जितना ज़्यादा रुझान ट्रेंच विधि का हो रहा है वही अब हल्के हल्के अपने क्षेत्रों में भी आ रहा है। yes, और जो किसान अपना 4.5-4 फुट से गन्ना ऊपर नहीं लेके जाना चाहते हैं, उससे ऊपर डिस्टेंस में नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ये वरदान है। सर इसके पावर स्टीयरिंग के बारे में बताइए, पावर स्टीयरिंग का स्टिकर लगा हुआ है लेकिन पावर स्टीयरिंग का सिलेंडर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। सब इसमें आइए सर, ये जैसे आप देखिए 27 HP में पावर स्टीयरिंग का स्टिकर लगा हुआ है। हाँ जी। ये सारा पावर स्टीयरिंग इसका अंदर बॉडी में ही एम्बेडेड है। अच्छा, बॉडी में ही अंदर से ही है? बॉडी में ही एम्बेडेड है। अच्छा जी। कोई बाहर से कोई आपको इसका अलग से पाइप, प्रेशर पाइप कुछ नहीं नजर आएगा। अच्छा, सब अंदर बॉडी में ही। सर ये हिस्सा है, ये इसमें तेल वगैरह है? सर इसमें जो इन्होंने फ्रंट एक्सल का सिस्टम दे रखा है। हाँ जी। ये टोटल बेवल गियर सिस्टम को बोलते हैं सर। अच्छा जी। जैसे अन्य ट्रैक्टरों में यहाँ पे सीधा सील से टच होता है। हाँ जी। तो जब टर्निंग होती है तो सील पे सबसे पहले जोर पड़ता है। हाँ जी। इसमें इन्होंने एक बड़ा क्राउन कड़ा पिनियन जैसे ट्रैक्टरों में आता है। अच्छा जी। वो ही सिस्टम इसमें टर्निंग का दिया हुआ, जिसकी वजह से इसकी टर्निंग सबसे ज्यादा है। अच्छा। और इसका रखरखाव ना बराबर है। अच्छा। ये ट्रैक्टर आप 5 साल की तो जैसे आप देख रहे हैं कंपनी वारंटी दे ही रही है। हाँ जी। अगर इससे वैसे भी हम बात करें तो अगर इसकी सर्विसेज आप टाइम पे कराते रहे 10-20 साल भी ट्रैक्टर कहीं जा नहीं सकता। अच्छा जी। और इसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी, आपके शायद किसानों का ये भी सवाल होता होगा कि शायद कुबोटा की सर्विसिंग कॉस्ट कितनी आती है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी सर्विस कॉस्ट मात्र 2000 रुपये इसके भी कम है, 1984 रुपये का इसका बेसिक सर्विस कॉस्ट है। अच्छा सर एक बात बताओ, कोई किसान भाई अगर ये वीडियो देख के अगर आपके पास आएगा ट्रैक्टर खरीदने, इम्प्लीमेंट खरीदने, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल देंगे जी, आपको डिस्काउंट भी देंगे। और आपके अगर चैनल के माध्यम से कोई स्पेशली आके हमसे टच करता है तो हम इस चीज, आपका भी बिल्कुल इसमें सहयोग है, और हम कस्टमर्स को भी ये कहेंगे अच्छी चीज़ लें, आप अपने ट्रैक्टर से इसका, अपने माध्यम से इसका प्रचार कर रहे हैं, आप हमारे स्टॉल पे आए हैं आज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्काउंट्स भी अच्छे दिए जाएंगे और क्वालिटी में हम, आप हमारा कभी शोरूम भी अगर विजिट करते हैं ठीक है जी, तो आपको वहाँ पर भी आपको इन्वाइट करेंगे, वो आप अगर शोरूम फैसिलिटी भी ऐसी कस्टमर को आप दिखाएंगे तो हमने प्रॉपर जैसे अच्छी गाड़ियों का एक्सपीरियंस दिया जाता है जैसे शोरूम में, वही एक्सपीरियंस हम अपने ट्रैक्टर के शोरूम में। सर किसान भाई बहुत डिमांड करते हैं, बहुत डिमांड थी कि कुबोटा का रिव्यू, और मैंने फर्स्ट टाइम कुबोटा का रिव्यू किया है, वो भी पंतनगर स्टॉल में किया है, तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रैक्टर के बारे में जान के, और मुझे इसकी बातें खास लगी। सबसे पहली बात, इतना छोटा ट्रैक्टर, इसमें 5 साल की वारंटी नहीं मिलती किसी ट्रैक्टर में, कुबोटा में वारंटी मिल रही है। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी, स्पेस बहुत लगा मुझे इसका। जी जी, स्पेशल। अन्य ट्रैक्टरों में बहुत दिक्कत होती है बैठने में, मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन दिक्कत बहुत होती है, कि मैंने तो सभी ट्रैक्टरों का रिव्यू किया है। जी जी जी। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बैठने इसमें में। सर देखिए, ये भी इतना बढ़िया इसने फीचर दे रखा है, सीट एडजस्टेबल है, सीट भी पूरी एडजस्टेबल है। सर ये भी बहुत खास फीचर लगा। मैंने आपको बताया कि आप इसमें भारी से भारी
साढ़े छह फुट का भी अगर कद का आदमी भी बैठ जाएगा तो अपने आपको घुटा महसूस नहीं करेगा, बिल्कुल फ्लैट डेक है ये। अच्छा जी, और चलाने में कंफर्टेबल है। आजकल समय ऐसा आ गया है कि चाहे अपना ड्राइवर हो चाहे कोई भी हो, अगर वो आराम में रहेगा तभी भी वो कार ज्यादा खींच पाएगा। यस सर। एक इसकी फ्यूल कंजम्पशन सबसे बड़ा जो पॉइंट है बताने वाला, फ्यूल कंजम्पशन हमारी सब सारे ट्रैक्टरों से न्यूनतम है। हम ये दावा करते हैं कि अगर कोई भी अन्य ट्रैक्टर जितना काम ये कर रहा है, अगर आप वही काम कुबोटा से करेंगे तो आप प्रति घंटा आधे पौने लीटर की बचत हर घंटे करेंगे इसका। अगर आप दिन में 10-12 घंटे का कार्य देखते हैं तो 5-7 लीटर की बचत आपकी सिर्फ और सिर्फ फ्यूल से हो जाती है। सर इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है। मेंटेनेंस तो सर जापानीज कंपनियां हैं, आप समझते हैं जितनी भी अपनी, आज आप जापान से नहीं जुड़े हुए, मारुति सुजुकी थी, होंडा है, आज बहुत सारी टोयोटा है, हीरो होंडा है, हाँ, अब ये सारी कंपनीज जो है सर, ये जापानी लोग इस चीज पे बहुत ध्यान रखते हैं कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। सर फ्रंट लुक भी देखने में बहुत अच्छा और पेंट भी काफी जबरदस्त लगा मुझे इसका देखने में। तो सर पाउडर कोटिंग में है सर। अच्छा, सारा सिस्टम, और इसको कई लेयर्स में, 8 लेयर्स में पेंट करा जाता है। 8 लेयर्स में, 8 लेयर्स में पेंट करा जाता है। और ये पेंट ऐसा है कि कहीं पे भी कोरोजन वगैरह इसमें कभी भी आता नहीं है। हमारे पास आज 4-4 साल पुराने ट्रैक्टर भी हैं, और जबकि गन्ने में चलता है तो आपने देखा है कि सारी पताई आके लगती है, मगर ये फिर भी पेंट कभी लोगों का खराब नहीं होता। इसमें एक चीज और है जी, अगर जो लोग खास गन्ने के लिए जो किसान इसको चाह रहे हैं, हाँ जी, कंपनी की तरफ से एक पूरा शिकंजा भी आता, हाँ, है। हाँ, वही पूछने वाला था जी, वो सर आपने बताया, वो पूरा गन्ने के साथ वो लग जाता है, जैसे कहीं पे पत्ती का आना जाना, बड़ा बड़ा गन्ना हो जाता है सर टेंच विधि का। उसकी कीमत शायद 30,000 रुपए के आसपास है, एग्जैक्टली मेरे को नहीं रिकॉल हो रहा है, मगर वो भी इसके ऊपर सिस्टम कंपनी फिटेड आ जाता है। अच्छा जी, उससे ये है कि जो लोग गन्ने में चलते हैं उनको पत्ती वगैरह, फिर ड्राइवर भी आसानी में रहता है और किसान भी। सर किसान अगर बाहर से लेगा तो बाहर से उतना अच्छा मटेरियल भी नहीं मिल पाएगा और क्वालिटी भी नहीं मिल पाएगी, कंपनी फिर मिलेगा तो ज्यादा बेटर होगा जी। देखिए कोई भी कंपनी है, अभी कुबोटा को हमारे उत्तराखंड और यूपी में हम सबसे पहले डीलर थे। अच्छा जी, तो हमें आज ये 4th साल है। अच्छा, हम कंपनी के साथ जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से ही पंतनगर यूनिवर्सिटी के मेले में आ रहे हैं। अगर हम अपनी ग्रोथ की बात करें तो पीछे से हमारा काफी ट्रैक्टरों का अच्छा अभी सेल आना शुरू हो गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आदमी ने एक बार ये चाहे छोटा ट्रैक्टर इस्तेमाल करा है वो ही हमारा बड़े ट्रैक्टर का आगे कस्टमर बन रहा है। सर मैं अपनी बात करूँ, मुझे इसकी जो साउंड क्वालिटी है और इसका स्पेस मुझे बहुत बेटर लगा, बहुत अच्छा लगा। सर आप मतलब जो कई ट्रैक्टर ऐसे हैं जिस साउंड क्वालिटी इतनी घटिया होती है ना, कानों बहुत दर्द होता है कभी कभी, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और मेन बात इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, और सबसे अच्छी बात लगी स्पेस की, बहुत बार आपने देखा मशीनरी है सर, आपने बहुत देखा होगा बहुत बार कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर की जान भी चली जाती है। तो मेन दिक्कत क्या होती है, जो आपने स्टीयरिंग देखा हो कई बार ड्राइवर के पेट में घुस जाता है, कई बार मैंने देखा है जी, बहुत ट्रैक्टर देखे हैं, वीडियो भी आपने देखी होगी, लेकिन सबसे अच्छा कुबोटा में लगा। कुबोटा के छोटे से लेकर बड़े मॉडल में ड्राइवर की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। हाँ सर आप बताइए ट्रैक्टर के बारे में और कुछ आप बताना चाहते हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि हमारे जितने भी कस्टमर आज की तारीख में हैं, हमने काफ़ी ये छोटे ट्रैक्टर्स में तो आज ये कहना चाहूँगा मैं कि हम पाइनियर्स हो गए हैं। अच्छा जी, इस एरिया में अन्य मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, हाँ जी सर, मगर जो बहुत पुराने पुराने और बढ़िया ब्रांड्स इसको समझते थे, आज उनकी जब वो कुबोटा की परफॉर्मेंस देखते हैं तो उससे कस्टमर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है हमारा। सर कोई किसान भाई सर्विसेज के लिए अच्छा। भी हमने ये कर रखा है कि अगर कोई किसान हमसे दूर भी है, माना अगर कोई 100-125 किलोमीटर भी दूर है, और अगर कोई हमसे किसान खरीदना चाहता है तो हमने एक मोबाइल वैन भी बना रखी है। अच्छा जी, तो हम सर्विसेज भी घर पे ही दे देते हैं। सर एक बात और बताएं, आप ट्रैक्टर कहाँ कहाँ दे सकते हैं अपने एरिया में ये बता दो। हमारे पास जी फिलहाल उधम सिंह नगर जिला है। अच्छा, यूपी? और यूपी में रामपुर। अच्छा, और बरेली? बरेली जिले में भी हम दे सकते हैं। अच्छा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत? पीलीभीत क्षेत्र में भी चले जाते हैं। अच्छा सर, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कंपनी का नेटवर्क और बढ़ रहा है, और भी डीलर्स आएंगे। अभी काफ़ी डीलर्स हैं हरदोई की तरफ और काफ़ी लोग डीलर्स हैं इसके। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कुबोटा के बारे में, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे किसान भाई आज कुबोटा 2741S देख के बहुत खुश हुए होंगे। न्यूली मॉडल है सर, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, ये भी नया सारा लुक आया है। पहले ये जो आता था, अच्छा, तो इस तरीके का स्टिकर आता था। अच्छा अच्छा, अभी जो इन्होंने एस मॉडल लॉन्च करा है उसमें ये न्यूली स्टिकर इन्होंने दिया है, और यही आपको हमारे बड़े वाले ट्रैक्टर के स्टिकर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। ट्रैक्टर से
जिनको ये ट्रैक्टर अच्छा लगा है और हमारी दी हुई जानकारी जिनके लिए लाभदायी रही है और जो आगे इस ट्रैक्टर को खरीदने का विचार बना रहे हैं या ले रहे हैं, तो हमारा नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ 7500800088 7500800088 और 7500 4088 सर कॉल करना है हमारे इस पर। अच्छा। आप किसी भी समय कॉल करके इस पर पर्याप्त जानकारी ले सकते हैं और अपनी सेल्स इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू।